रश्मि, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वेडिंग वेयर ड्रेसेस, और यू कैन से दीज आर पार्टी वेयर ड्रेसेस। आप कैसे भी इनको स्टाइल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात की सारी की सारी ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, और उससे भी बड़ी बात की अंडर बजट ये ड्रेसेस हैं, तो बजट का भी कोई इशू नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, सारे कलर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आज का वीडियो पूरा देखना। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो ड्रेस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये सी ग्रीन कलर में ड्रेस। और ये एक्चुअली ड्रेस जो है ना, वो क्रॉप टॉप प्लाजो और जैकेट का कॉम्बिनेशन है। ये कॉर्ड सेट है, और ये है इसका ब्लाउज। मैंने साइज़ लिया था स्मॉल, एंड मुझे परफेक्टली फिट हुआ है ये साइज। तो इस तरीके का ब्लाउज है, एंड इसका जो फैब्रिक है वो है विस्कस रेयन, इसमें फॉइल प्रिंट हो रहा है। पीछे की तरफ आपको इलास्टिक मिल जाती है, जिससे कि आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। स्लीवलेस ब्लाउज है, और साइड में आपको यहाँ पर ओपनेबल जिप मिल जाएगी। तो ये जिप आप ओपन करके इजीली इसको वेयर कर सकते हो। इसके साथ आपको बहुत ही प्रेटी सा फ्लैड प्लाजो मिल जाएगा इस तरीके का, और ये विस्कस रेयन फैब्रिक में ही है। गाइस, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, नॉर्मल जो रेयन होती है उससे बिल्कुल अलग है ये फैब्रिक। इसमें सलवटें उतनी नहीं आती हैं, और बिल्कुल अलग फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। सबसे बड़ी बात, इसका कलर बहुत प्यारा है। इसका प्लाजो का स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बैक साइड में इसमें इलास्टिक दी हुई है, एंड फ्रंट साइड में ऐसे ये बेल्ट वाला पैटर्न है। साइड में आपको ये जिप भी मिल जाएगी, जो जिससे कि आपको पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मॉल साइज मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। मैं अपना साइज नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको उससे साइज का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसके साथ में गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल सी जैकेट मिलती है, जो कि है जॉर्जेट फैब्रिक में, और इस जैकेट पे फॉइल प्रिंट हो रहा है। मैं आपको पूरा जैकेट दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट कॉलर में जैकेट है, और ये बटन यहाँ पर है। ये जो ओ बटन है ये ओपनेबल है, तो आप ओपन करके भी इसको स्टाइल कर सकते हो। और ये फुल लेंथ जैकेट है, फुल स्लीव्स में मिल जाती है, जॉर्जेट फैब्रिक में जैकेट है। फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, और ये ड्रेस मुझे पर्सनल, मेरी पर्सनल फेवरेट ड्रेस है ये। तो गाइज, मैं इनके सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइज, इसका प्राइस भी ना बहुत कम है, मतलब मुझे लगता है सबके बजट में फिट हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ड्रेस, मुझे मेरी क्योंकि पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ कि ये ड्रेस आप ज़रूर बाय करो। गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। ड्रेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसको आप पहन सकते हो अपने हल्दी फंक्शन में, या किसी और के हल्दी फंक्शन में, या फिर ऐसे ही किसी भी फंक्शन में, जस्ट बिकॉज ये मस्टर्ड येलो कलर में है। तो ये तो है इसका ब्लाउज, छोटू सा, और स्ट्रैप्स हैं इसमें, बहुत छोटू सा है। बट आप घबराइए मत, आप अगर इतने एक्सपोज वाले अगर कपड़े नहीं पहनते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके साथ भी जैकेट है। तो ये है इसका ब्लाउज, और इसमें भी मैंने जो साइज परचेज किया था वो था स्मॉल, और ये मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। तो इसमें भी आपको ना पीछे की तरफ इलास्टिक मिल जाती है, जिससे कि इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आती है गाइस। और ये मुझे परफेक्टली फिट हुआ है स्मॉल साइज, और इस पर ना फ्लोरल प्रिंट हो रहा है। एंड बाय द वे, ये पूरा जॉर्जेट फैब्रिक में है, तो ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा। इसके साथ में आपको मिलेगी एक स्कर्ट, और स्कर्ट प्लेन है इसकी, बहुत प्यारी सी स्कर्ट है, फ्लेयर्ड स्कर्ट है इसके साथ में, काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर है। एंड ये पूरा बेल्ट पैटर्न में है, इसमें कोई इलास्टिक प्रोवाइडेड नहीं है। एंड साइड में यहाँ पर जिप दी हुई है, जिससे कि आप इसको इजीली पहन पाओगे। गाइज, ये जो स्कर्ट है ना, मुझे इसका फ्लेयर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लाइट वेट है, जॉर्जेट फैब्रिक में है, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। फिटिंग बहुत प्यारी आई है, स्मॉल साइज लिया है। एंड इसके साथ में आपको मिलती है फ्लोरल प्रिंट में जैकेट, और ये जो जैकेट है इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो जैकेट है, इसका लुक वो फॉल वाला है, ठीक है, वाटरफॉल वाला जो लुक आता है इसका जैकेट का, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। आज के सारे ड्रेसेस मतलब मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद आए। तो ये इस तरीके का ड्रेस है, फुल लेंथ में जैकेट है, और वाटरफॉल वाला जो इसका लुक है ना, वो बहुत प्यारा आता है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो ड्रेस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो भी एक कॉर्ड सेट है। तो उसमें सबसे पहले तो है ये क्रॉप टॉप, और ये वाला ड्रेस क्रेप फैब्रिक में है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और आप इजीली वेयर कर सकते हो। ये स्लीवलेस है, और ये नेवी ब्लू कलर में टॉप है,
तो ये क्रॉप टॉप है, इजीली आप इसको वेयर कर सकते हो। आप अगर स्लीवलेस नहीं पहनते तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कॉर्ड सेट है, इसके साथ भी आपको जैकेट मिलेगी। तो ये है इसका टॉप, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बट इसका भी फिट थोड़ा सा लूज था मुझे, ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लिया है, बट इस ब्रांड के साइजेस थोड़े से बड़े हैं, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल भी मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा था। इसके साथ में आपको एक मिलेगा प्लाजो पैंट, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, ये स्ट्रेट प्लाजो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है। आप लुक जो है उसमें आप देख सकते हो, साइड में आप देख लेना कि किस तरीके का इसका लुक आता है। और ये भी क्रेप फैब्रिक में है, पूरा प्लाजो पे जो इसकी वेस्ट है ये पूरे पे इलास्टिक है, कोई बेल्ट वाला पैटर्न नहीं है, इस पर पूरे पे इलास्टिक है आगे पीछे। तो ये सिंपल सा प्लाजो है इसके साथ में। एंड इसका जो इसकी खूबसूरती में जो चार चांद लगाता है वो है इसका जैकेट, और इसका जैकेट है जॉर्जेट फैब्रिक में, और इस पे हो रहा है ब्यूटीफुल सा फॉइल प्रिंट, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा इस पे प्रिंट हो रहा है। एंड इसकी स्लीव्स पे 3/4 स्लीव्स हैं, और स्लीव्स पे थोड़ा सा ये लेस दी हुई है गोटा पट्टी वाली, और इसके फ्रंट में जैकेट के इस फ्रंट में जो जैकेट की ये साइड है यहाँ पर भी आपको लेस देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो लुक है वो पूरा इस जैकेट की वजह से आता है, बाकी पूरा ड्रेस तो प्लेन है, बट ये जैकेट से इसमें बहुत प्यारा लुक आता है। तो आप इस ड्रेस को भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई ऑन में आप सारे ड्रेसेस के लुक्स देख ही सकते हो, एंड लिंक्स आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी एक कॉर्ड सेट है, बट वो लहंगा स्टाइल में है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका टॉप दिखा देती हूँ। तो ये है टॉप, और ये रस्ट कलर में है। इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन ब्लेंड, और इसमें अंदर लाइनिंग भी दी हुई है कॉटन की, प्योर कॉटन की लाइनिंग दी हुई है, कॉटन ब्लेंड मटेरियल में है। तो ये टॉप है बोट नेक में, और पीछे इसमें एक बटन दिया हुआ है, तो आपको इससे पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस पर फॉइल प्रिंट हो रहा है इसका, गाइस प्रिंट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एथनिक मोटिव्स, ये पूरा फ्लोरल वाला है, और बहुत प्यारा सा कलर इसका सबसे ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। और साथ में यहाँ साइड में ना इसमें जिप भी प्रोवाइडेड है, तो आपको पहनने में कोई इशू नहीं होगा। और इसका साइज भी मुझे परफेक्टली फिट हुआ था, ये भी मैंने स्मॉल साइज में लिया था। इसके साथ में जो स्कर्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो स्कर्ट इतनी प्यारी थी, इसका फिट भी बहुत अच्छा था। एंड गाइज स्कर्ट का फ्लेयर इतना अच्छा है, और क्योंकि कॉटन ब्लेंड मटेरियल में है, तो इसके अंदर आपको कोई कैनकन स्कर्ट पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना कैनकन स्कर्ट के भी इसका फ्लेयर अच्छा खासा आ रहा था। और स्कर्ट में ये इस तरीके का प्रिंट है, डिफरेंट है टॉप से, थोड़ा डिफरेंट प्रिंट है, और इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें बॉटम की तरफ थोड़ा टॉप वाला जो फैब्रिक है वो प्रिंट बॉटम की तरफ इससे चौड़ा सा बॉर्डर दिया हुआ है, और बाकी इस तरीके का इस पे प्रिंट है। बहुत ही प्यारा स्कर्ट है, इसका फ्लेयर, इसका लुक, पहनने के बाद इसका फील बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत 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 पसंद आया। तो ये वाला ड्रेस मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, एंड इसके साथ आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा जैकेट मिल जाएगा, सेम कलर में है, रस्ट कलर में जैकेट है, और ये पूरा जैकेट प्लेन है, बट इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रिंट दिया हुआ है, तो ये भी डिफरेंट प्रिंट है स्कर्ट और ब्लाउज से, बिल्कुल डिफरेंट प्रिंट है। तो इस तरीके का ये लुक है, आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो, फुल लेंथ में जैकेट है, और आप चाहो तो ये इसको ओपन करके भी पहन सकते हो। अगर आपको ये डोरी बांधना पसंद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हो, इसको हटा सकते हो, बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं कभी डोरी बांधनी हो तो फिर आप इसको ऐसे ही रखिए, डोरी के साथ भी अच्छा लगता है। तो ये वाला ड्रेस बहुत 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 प्यारा ड्रेस है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, इसका फैब्रिक वगैरह सब कुछ A1 है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ड्रेस, वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आई इनके कंपैरिजन में, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा सा मुझे कम पसंद आया। तो वो एक लहंगा है, और ये इस तरीके का लहंगा है पिंक कलर का, इसका कलर बहुत प्यारा है गाइस, और ये सेमी स्टिच्ड लहंगा है, तो ये आपको स्टिच कराना पड़ेगा। और ये इस तरीके का लहंगा है, फ्लेयर ठीक ठाक है, बट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा इसका, क्योंकि इसका लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा था। प्रिंट काफ़ी अच्छा है, बट फ्लेयर भी नॉर्मल जैसे लहंगों में आता है उतना ही है, बट उसके बाद भी आई डोंट नो इसका लुक क्यों निकल के नहीं आ रहा था। फोटो में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट पहनने के बाद आई डोंट नो
मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसलिए मैं इसको उतना रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें अलग तरी अलग से ये बॉर्डर भी दिया हुआ है नीचे, और इसके साथ में आपको ब्लाउज पीस मिलेगा अनस्टिच्ड, तो ये आपको स्टिच कराना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये ब्रोकेड वाला इसमें ब्लाउज पीस मिलेगा। इसका मुझे ब्लाउज का कपड़ा भी थोड़ा सा कम लग रहा है गाइस, तो मतलब मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया ये वाला। बाय द वे मैं इसका दिखा देती हूँ आपको, पूरा सेट दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है। इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया, नो डाउट इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है। और इस तरीके का बनारसी सिल्क वाला दुपट्टा है, आप देख सकते हो दुपट्टे के साइड में बॉर्डर है, नीचे टैसल्स दिए हुए हैं, और ये काफ़ी सुंदर दुपट्टा है। दुपट्टे का फैब्रिक भी मुझे लहंगे के फैब्रिक से ज़्यादा अच्छा लगा, और दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद आया इसका। तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर लेना, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के रिकमेंडेशंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और आप इनमें से ड्रेसेस को चेकआउट भी करने वाले हो आई नो, बिकॉज ये ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरीके के रिकमेंडेशंस आप आगे भी चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।